पेटेंट क्या होता है, आज हम पेटेंट से स्टार्ट करेंगे। पेटेंट इंडिया में एक लॉ से गवर्न होता है, विच इज पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 और उसके सब्सिक्वेंट रूल्स है 2003 में जो आए थे। ठीक है, पेटेंट एक्ट ऑफ 1930 से पेटेंट गवर्न होता है इंडिया में, एंड विद सब्सिक्वेंट रूल्स विच आर पेटेंट रूल्स 2003। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ पेटेंट? पेटेंट क्या है? सो इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर टू एक्सक्लूड अदर्स टू यूज, मेक एंड सेल एन इन्वेंशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कोई भी इंसान है, उसने कुछ इन्वेंट किया है, समबडी हैज इन्वेंट समथिंग, समबडी हैज डिस्कवर्ड समथिंग, राइट? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था, मैंने आपको COVID-19 वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, COVID-19 वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्या था, व्हाट व्हाट वाज इट एग्जाम्पल ऑल अबाउट? सी, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल आप मॉडर्ना की बात करो, भारत बायोटेक की बात करो, फाइजर की बात करो, है ना, अलग अलग कंपनीज हैं जिन्होंने COVID-19 वैक्सीन बनाई है। नाउ दे मस्ट हैव स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स उन्होंने इसमें खर्च करे होंगे, आई एम श्योर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स खर्च करने के बाद, है ना, व्हेन दे स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज, एंड इवन आफ्टर दैट, अगर मान लो वैक्सीन लेकर आते हैं मार्केट में और उसको बाकी सारी कंपनीज भी कॉपी करके वैक्सीन बना देती है, तो उन कंपनीज के तो पैसे भी नहीं लगे और वो प्रॉफिट भी बहुत कमा लेगी, राइट? और ये जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज खर्च किए, इनको कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा। ये मार्केट में तो वैक्सीन लेकर आए, एवरीबडी इज कॉपिंग इट। सो आपका कोई नया इन्वेंशन हो, कोई इनोवेशन हो, या कोई नई डिस्कवरी हो, उसको कोई भी कॉपी ना करे, नोबडी कॉपीज दैट, दैट इज वाई वी हैव दी पेटेंट्स। ठीक है, इसलिए हमारे पास पेटेंट होता है, राइट? आप कोई पुराना जो इन्वेंशन है, कई बार पेटेंट की जनरली कैसे मिलता है, कोई आप इन्वेंशन करो या फिर आपकी कोई डिस्कवरी हो, कई बार ऐसे भी मिलता है कि आपको इनोवेशन करो। इनोवेशन का मतलब होता है कि पुराना कोई इन्वेंशन हुआ हुआ है, उसको एक यूज करने का अलग तरीका बता दिया आपने, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एफिशिएंट तरीका बता दिया, तो दैट इज इनोवेशन। तो उसमें भी आपको पेटेंट मिल सकता है, राइट? सो द मोटिव बिहाइंड द पेटेंट लॉ इज टू एनकरेज इन्वेस्टर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर इन देयर फील्ड बाय अवॉर्डिंग देम एक्सक्लूसिव राइट फॉर देयर इन्वेंशन। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जेरोक्स, जेरोक्स कॉपी करवाते हैं हम लोग सब, है ना, फोटोकॉपी जो करवाते हैं, तो जेरोक्स इज द नेम ऑफ अ कंपनी दैट केम अप विद दैट फोटोकॉपी मशीन फॉर द फर्स्ट टाइम। जेरोक्स उस मशीन का नाम है, आई मीन कंपनी का नाम है जो पहली बार वो मशीन को लेकर आई थी, राइट? तो जेरोक्स गॉट द पेटेंट इन इट्स नेम। कुछ सालों तक सिर्फ और सिर्फ जेरोक्स की जो यू कुड से मशीन होती थी, उन्हीं से जेरोक्स हो सकता था। ठीक है, अदर्स वर नॉट अलाउड टू डू इट। तो बिकॉज दे केम अप विद समथिंग वेरी नॉवल एंड वेरी यूनिक एंड विच हैज अ यू कुड से कमर्शियल वैल्यू एज वेल, देयरफॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज गेट दी पेटेंट फॉर दैट। ठीक है।